देख रहे हैं रफ्तानू चैनल सबसे तेज। सबसे आगे डीआईजी ने थपथपाई एसपी बागपत की पीठ। बागपत में लगातार हो रही मुठभेड़ के बाद आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार बागपत पहुंचे और एसपी अभिषेक सिंह की पीठ थपथपाई, क्योंकि पिछले 48 घंटे में एसपी बागपत के निर्देशन में 10 एनकाउंटर और 11 बदमाशों की गिरफ्तारी करने पर हौसला बढ़ाया और उनकी पीठ थपथपाई। दरअसल नए कप्तान अभिषेक सिंह के बागपत की कमान संभालते ही बागपत में अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा है। आज अचानक आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार बागपत पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन पर पहुंचे और कहा कि अच्छा काम होने पर अधिकारियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। आईजी प्रवीण कुमार बागपत के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए चुनौतियां कम नहीं है, हम जनता के सहयोग से सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। लगातार हो रही मुठभेड़ों के बाद अचानक आईजी प्रवीण कुमार बागपत पहुंचे थे। पत्रकारों के सवाल पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर हत्याकांड के 2 खुलासों पर बोले आईजी की एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। इंस्पेक्शंस के हम लोगों का काम होता है, इसमें लगातार जो पुलिस कर्मी काम कर रहे होते हैं उसमें हौसला अफजाई का काम होता है। जहां पर सुधार की आवश्यकता होती है उसको वहाँ पर बताया जाता है और कुल मिलाकर के पूरी टीम स्पेशली यहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं क्राइम प्रिवेंशन करने के दृष्टिकोण से, उसको लेकर के एक समन्वित रणनीति बनाना और उसको क्रियान्वित अच्छी तरह से करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसको हम लोग। सर बागपत में ऑपरेशन क्लीन जारी है, लोग बदमाशों के अंदर दहशत है और व्यापारियों में भी काफ़ी खुशी देखी जा रही है, सर इस समय क्या कहेंगे? देखिए, अपराध नियंत्रण करना पुलिस की प्राथमिकता है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा से रही है और निश्चित तौर पर हम लोग अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हैं। सर पूर्व जिलाध्यक्ष वाले मामले में 2 खुलासे हुए हैं सर, एक पहला खुलासा हुआ था, क्या वो अपराधी भी इसमें लिप्त हैं या अलग हैं सर? देखिए, इसमें एसआईटी की जांच कर रही है और इसमें हम इतना आश्वस्त करते हैं कि कोई निर्दोष जो है वो जेल में नहीं रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।